मेरा नाम डॉक्टर मुसर्रत बतूल हुआ। मैम डॉक्टर रोशन कुमार हुआ। हमारे जो 27 जनवरी 2024 को रविवार के दिन जो कैंप है उसमें आएँ और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मेहताब आलम है जी। मैं MD फिजिशियन भी हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पैथोलॉजी में भी कर रखा है। ठीक है, क्योंकि अंदर शर्म झिझक बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर के पास जाकर के अपनी बात शेयर करना नहीं चाहती। फिर उनके अंदर थोड़ा सा हाइजीन का प्रॉब्लम रहता है क्योंकि वो लोग साफ़ सफाई प्रॉपर वे में नहीं रखती। इस सब वजह से इस तरह की जो भी बीमारी होती है और उसको डिस्कशन नहीं करना चाहती हैं, जिस वजह से वो परेशानी और बढ़ जाती है। तो इसका प्रॉपर इलाज तभी होगा जब उन लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगा, और हम लोग यहाँ पे कैंप अवेयरनेस के लिए ही कर रहे हैं ताकि लोग समझें जानें। और ये मेरे वालिद साहब का विज़न था कि तुम आओ अपने इलाकों के लोगों की खिदमत खल्क करो। मैं फॉरेन में भी बहुत सारे कंट्री में ट्रेनिंग लिया हूँ वहाँ पे, तो उनका उनकी दिली ख्वाहिश थी कि अपने इलाके के लोगों के लिए सर्व करो। हम अपना युवा हैं और अभी तक हमने जो देखा है बहुत सारे डॉक्टर जब डॉक्टर बन जाते हैं तो उनका एक लक्ष्य रहता है कि बढ़िया पैसा कमाना, बिल्डिंग बनाना। और फिर आप ग्रामीण क्षेत्र में क्यों आए? देखिए, मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा हूँ, मैंने स्कूलिंग वगैरह सब ग्रामीण क्षेत्र से ही करी है, तो मुझे उनका एक लगाव सा है और मैं उनकी समझता हूँ कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं कि मैं अपनी तरह से समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा है कि हाँ कि जो मैंने देखा है कि वो उनको उस चीज़ की को फेस नहीं करना पड़े। तो मेरा एक पहले से ही जुड़ाव रहा है, तो पैसे तो वो दूसरी बात है, लेकिन ठीक है, अगर आप अपने लोगों की सेवा कर रहे हो तो अच्छा लगता है। ये हमारा प्रोफेशन का मतलब वही। नाश्ता करके देख दिए आज जो भरोखा में मेडिकल कैंप लगा है, आप किस विभाग से मतलब देखते हैं और कैसे पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं? मैं डॉक्टर वकार यूनुस हूँ, मैं जनरल सर्जन हूँ। यहाँ पे जो कैंप लगा है सुबह से हर तरीके के पेशेंट आए हैं, बच्चे हैं, महिलाएं आए हैं, और हमारे डिपार्टमेंट सर्जरी के डिपार्टमेंट से भी पेशेंट आए हैं। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सारे पेशेंट आ रहे हैं मिला जुला के। तो ऐसे जो कैंप लगता है ग्रामीण स्तर पे, आप लोगों को अंदर से कैसा महसूस होता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को उसके दरवाजे पे आकर के उसको अच्छा सुविधा देना, उनका अच्छे से इलाज करना, तो ये चीज़ होना चाहिए अपने ग्रामीण स्तर पे, और सही है, ये समाज के लिए फायदेमंद है जी। बताइएगा सर, आप एक MBBS डॉक्टर भी हैं और अभी लगातार लोग कहीं ना कहीं शुगर और वगैरह वगैरह बीमारी से ग्रसित हैं, उनसे बचने के लिए क्या उनके सुविधा इख्तियार करना चाहिए? मैं डॉक्टर एजाज, मैं ये लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसकी BP बढ़ी हुई है, तो पहले आप नंबर को कंट्रोल करें, खाने पर पहले परहेज कर रखें, ठीक है। अगर आप और जब इस तरह का फ्री कैंप लगे तो आप उसमें चेकअप करवाएं और प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल में जाके उनका प्रॉपर जाँच करवाएँ, और खाने पर थोड़ा परहेजी रखें। अगर और शुगर की बात रही तो शुगर को प्रॉपर मेंटेन किया जाए, शुगर खाने पर परहेजी रखा जाए और टाइम पर चेक करवाया जाए उसको। राशि साहब, जरा साहब बताएंगे आप कि आजकल जो बहुत सारी बीमारियां हैं जो दिखती नहीं है, वो आखिरी स्टेज पे लोगों को समझ में आता है, उससे बचने के लिए उनको क्या उपाय करने चाहिए?
देखिए जितना हमने अभी गांव समाज के लोगों को ज़्यादातर देखा है कि बीमारी को वो लोग अपने अंदर पालते हैं, उनको हर चीज़ दर्द का गैस ही समझ में आता है। जब तक वो डॉक्टर को अप्रोच नहीं करेंगे, डॉक्टर से बात नहीं करेंगे, कंसल्ट नहीं करेंगे, हम बीमारी का इलाज कभी नहीं कर पाएंगे। और लोग इसी कारण बहुत ज़्यादा गांव देहात साइड में मामूली मामूली इलाज से मर जाते हैं। तो हमने एक MBBS करते दौरान हमें सोचा था कि हम अपने गांव देहात साइड में या जहाँ जहाँ मौका मिलेगा मेडिकल कैंप लगा के लोग को कम से कम अवेयरनेस ज़रूर फैलाएंगे कि इन चीज़ों से अगर आपको किसी तरह का, जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट है, उनको जब सीना में दर्द या वो दर्द अगर हाथ पे आता है तो उनको लगता है कि गैसे का दर्द की वजह से हो रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को समझाना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो आप 12 घंटे के अंदर अस्पताल में भर्ती हो जाएं, क्योंकि फिर हम आपको बचाने का संभव करेंगे। अगर 12 घंटे के बाद अगर भर्ती होते हैं तो उनको बचाने का चांसेस और भी कम हो जाता है। तो इन चीज़ों को सोचते समझते अनकंट्रोलेबल BP, अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़, इन सब चीज़ भी लोग को पता नहीं है, उन लोग खाए जा रहे हैं, बेतरीके खाए जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ कैसे खाना है और कब दवा चलना चाहिए, अपने हिसाब से दवा बंद कर देते हैं बिना सोचे समझे कि डायबिटीज़ कितना बड़ा एक हार्ट पे कितना बड़ा असर कर सकता है रातों रात, साइलेंट किलर को बोला जाता है। तो इस चीज़ों को अवेयरनेस देने के लिए हम लोग ये मेडिकल कैंप लगाए हैं और आगे करते रहेंगे ये चीज़। थैंक यू डॉक्टर साहब। बताइएगा कि आज जो फ्री मेडिकल कैंप यहाँ लगा है जी, कैसा आपको अंदर से फील महसूस हो रहा है? फील देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये मेरे वालिद साहब का विज़न था कि तुम आओ अपने इलाकों के लोगों की खिदमत खल्क करो। मैं फॉरेन में भी बहुत सारे कंट्री में ट्रेनिंग लिया हूँ वहाँ पे, तो उनका उनकी दिली ख्वाहिश थी कि अपने इलाके के लोगों के लिए सर्व करो, उनको जो हमारे जो इलाकों में जो है जो गरीब लोगों हैं जिन जो अपना वो पूरा नहीं कर पाते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो उन्हीं के ख्वाहिश को देखते हुए उनके मेमोरी में एक MA मेमोरियल मेडिकल सेंटर शुरू किए हैं हम लोग दरगाह रोड ताजपुर में। ठीक है, तो उन्हीं के विज़न को पूरा करना है और अभी शुरुआत है, तो अभी ये दूसरा हेल्थ कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए हैं। इससे कबल भी जो है दरगाह रोड स्थित जो है जो इनॉग्रेशन के डे में हेल्थ प्लस आई कैंप का उद्घाटन हुआ था, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 200 लोगों की जांच हुई जिसमें 105 लोग आई से संबंधित थे और जनरल पेशेंट्स भी आए थे बहुत सारे। सर एक छोटी सी बात कहें सर, बताइएगा कि आज थायराइड और शुगर उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां जो बढ़ती जा रही है उसका मेन कारण क्या है? या अंग्रेजी दवा लेना या फिर तेल मसाला या कह लीजिए कि सही से भोजन न लेना? भोजन ही ज़्यादातर कारण है, क्योंकि आप जो खाते हैं आपका शरीर उसी हिसाब से होता है। जैसे आपका जो खान पान है, यदि आपका लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं है, आप उतना सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, मतलब आराम ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा बॉडी एक्टिविटी वगैरह नहीं है और खाना पीना सही नहीं, इसके वजह से ज़्यादा बीमारी और बढ़ रही है। जैसे गुर्चे का दर्द हो गया या बॉडी कम मूवमेंट होने की वजह से बहुत सारी इससे बीमारी और हो रही है। बाकी वही हाइपरटेंशन वाला BP वाला हो गया या चीनी वाला हो गया, वही कुछ हद तक खाना पीना से ही जुड़ा हुआ है। और तेल मसाला का वो तेल मसाला असर करता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। वही है कि आप खाना पीने के अंदर सब कुछ हो, फल फ्रूट हो और हाइजीनिक खाना हो, ये सब चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा एक कहावत चली थी कि अमीरों की बीमारी जो थी शुगर वो अब गरीबों के घर में भी आ गई, तो गरीब मान लीजिए अमीर तो है कि पैसा है वो इलाज करा लेंगे, गरीब के पास क्या विकल्प बचता है? गरीब के पास एक ही विकल्प है कि वो बस रख रखाव करे, उस हिसाब से परहेज करे, क्योंकि अब अमीरों की बीमारी रही नहीं डायबिटीज़, क्योंकि घर घर में अब जितने भी 30-40 के ऊपर के मैक्सिमम लोग हैं उनको ये बीमारी होने लग गई है। तो बस उनको क्या है कि शुगर इंटेक उतना नहीं लेना, शुगर उतना नहीं लेना है। शुगर से भी बड़ी चीज़ क्या है कि सिर्फ मिठाई खाने से ही डायबिटीज़ नहीं होती, लोगों को ये लगता है सिर्फ मिठाई खाया तो डायबिटीज़ है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे कि बहुत सारा चावल खा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे खाना खा रहे जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी आपको शुगर बढ़ सकती है। तो लोगों को जागरूक होकर क्या है कि आप जाइए हॉस्पिटल, बराबर कम से कम 1-2 साल में आप ब्लड का शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए इंसान को, ताकि टाइम से पता चल जाए कि उसे डायबिटीज़ वगैरह है, तो अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है तो कुछ हद तक जल्दी ठीक होने का चांस भी रहता है। तो ये अवेयरनेस लोगों में हो, पहले से खाना पीना में उतना शुगर का इंटेक नहीं लेना है, थोड़ा परहेज़ करना है, परहेज़ करके खाना है, बस यही है। ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये कैंप आज
आजीवन रहेगा या इसके अलावा भी कभी आप चलेगा कैंप? नहीं, आप एक युवा है। हाँ बिल्कुल, नहीं कैंप तो चलना है, अभी धीरे शुरुआत है, तो अभी धीरे धीरे हम लोग ऐसे अवेयर करेंगे लोगों को और कैंप बराबर होगा और अच्छा होगा और बेटर होगा और लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर अभिषेक आनंद। सर आज मेडिकल कैंप में आए हैं और यहाँ क्या कमियाँ मिली है ग्रामीण क्षेत्र में? लोग ज़्यादा परेशान हैं और अपनी परेशानी को आके बता रहे हैं। जो नॉर्मल तरह की बीमारियां लेके आ रहे हैं, जो ज़्यादातर अभी तक मैंने देखा है कि वही जो ओल्ड पेशेंट हैं तो उनको वो घुटने वगैरह का दर्द लेके आ रहे हैं, और दूसरा है कि वो खाने की वजह से जो उनको अंदरूनी पेट की समस्या हो रही है, तो उन सब चीज़ों को लेकर ही ज़्यादातर पेशेंट अभी तक आ पाए हैं। और एक चीज़ अच्छी ये लगी कि हाँ, आँखों के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, तो देख समझ रहे हैं कि हाँ, आँखें बचाना भी ज़रूरी है, तो वो भी पेशेंट आए हैं। सर क्या यहाँ नमक का भी मामला कुछ आपको नज़र आया कि नमक सही तरीके से लोग नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक नहीं, या इस वजह से घुटनों का दर्द होता है? बिल्कुल, इससे जुड़ा हुआ कि सॉल्ट रिटेंशन एक तरह से नमक का ही है, और दूसरा जो बीपी की पेशेंट जो अभी तक देखे हमने कि हाँ, उनमें भी नमक का है कि ये नमक तेज खाने की जो आदत है इनकी, कि खाने मसालेदार बनाना है तो थोड़ा सा नमक तेज हो जाए, तो एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है कि आपको वो चीज़ बाद में जाएगा, कहीं ना कहीं घुटने की दर्द से परेशानी देगा ही देगा। सर इसके अलावा भी मेडिकल कैंप और चलेगा आप लोगों का? कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि जितने से जितना लोगों को हम समझा पाए और जागरूक कर पाए कि हाँ, आप इनसे चीज़ों से बढ़ो, तो कोशिश आगे भी यही रहेगी कि हम अपना युवा हैं, और अभी तक हमने जो देखा है बहुत सारे डॉक्टर जब डॉक्टर बन जाते हैं तो उनका एक लक्ष्य रहता है कि बढ़िया पैसा कमाना, बिल्डिंग बनाना, फिर आप ग्रामीण क्षेत्र में क्यों आए? देखिए, मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा हूँ, मैंने स्कूलिंग वगैरह सब ग्रामीण क्षेत्र से ही करी है, तो मुझे उनका एक लगाव सा है, और मैं उनकी समझता हूँ कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं कि मैं अपनी तरह से समझ सकता हूँ कि एक थोड़ा सा है कि हाँ, कि जो मैंने देखा है कि वो उनको उस चीज़ की को फेस नहीं करना पड़े, तो मेरा एक पहले से ही जुड़ाव रहा है। तो पैसे तो वो दूसरी बात है, लेकिन ठीक है, अगर आप अपने लोगों की सेवा कर रहे हो तो अच्छा लगता है, ये हमारा प्रोफेशन का मतलब वही समझ में आता है। क्या नाम है डॉक्टर साहब? मेरा नाम डॉक्टर रोशन कुमार हुआ। जी मैम, बताइएगा आज जो फ्री मेडिकल कैंप में आप आए हैं, ज़्यादातर यहाँ महिलाओं ग्रामीण क्षेत्र में जो बीमारी होती है वो जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जा पाती, इसका क्या आपको कारण लगता है? वो उन लोगों के अंदर शर्म झिझक बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर के पास जा कर के अपनी बात शेयर करना नहीं चाहती, फिर उनके अंदर थोड़ा सा हाइजीन का प्रॉब्लम रहता है क्योंकि वो लोग साफ़ सफाई प्रॉपर वे में नहीं रखती, इस सब वजह से इस तरह की जो भी बीमारी होती है और उसको डिस्कशन नहीं करना चाहती हैं, जिस वजह से वो परेशानी और बढ़ जाती है। तो इसका प्रॉपर इलाज तभी होगा जब उन लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगा, और हम लोग यहाँ पे कैंप अवेयरनेस के लिए ही कर रहे हैं ताकि लोग समझें, जानें और उसके हिसाब से फिर अपना इलाज करें। अभी मैडम महिलाओं में थायराइड और शुगर का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जी क्या कारण? मेन कारण खान पान है, और क्या कहते हैं, परहेज ही नहीं है। लोग जो है अपने ऊपर, देखिए आजकल क्या है कि महिलाएं अपने ऊपर कम बाकी परिवार पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, और गांव देहात में तो ये चीज़ और ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इस तरह की बीमारी और ज़्यादा बढ़ रही है। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, अगर उनको पता रहे कि इस किस वजह कर ये हो रहा है तो शायद वो कुछ कर भी पाए, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि रीज़न क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो इसलिए ध्यान देती नहीं है और परेशानी में बढ़ जाती है। रोकथाम के लिए मैडम क्या करना चाहिए? पब्लिक को अवेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि देखिए आपके साथ इस तरह की जो मसलात होते हैं, जो कारण क्या कारण है, उनका कारण और उसका निवारण दोनों उनको बताया जाएगा, तभी समझ में आएगी, फिर उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो अभी तक जो आप यहाँ महिलाएं आई हैं, क्या आपको कमी मिला है? ज़्यादातर जो फीमेल की प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड ही है, थायराइड और शुगर तो बढ़ता ही जा रहा है, वो तो है ही, वो तो मतलब मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है वो शर्म की वजह से इस बारे में बताना नहीं चाहती हैं, जिसकी वजह से उससे परेशान रहती हैं। तो सही समय पे डॉक्टर के कंसल्ट में नहीं हो पाती हैं, जो इसका कारण बन जाता है बढ़ने का। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुसरत बतूल है। पैसों के लिए चलती है, आपके पास भी ऑप्शन थे विदेश के, आपने उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? मेरे पास बहुत सारे विदेश के ऑप्शन थे,
मैं यूके इंग्लैंड में भी अपनी ट्रेनिंग हासिल किया और मैंने ऑस्ट्रिया में भी वियना मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग लिया। तो लेकिन मुझे जब मैं फॉरेन से आने के बाद दिल्ली में अपनी ट्रेनिंग पूरा किया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से, दिल्ली गवर्नमेंट के भी और भी बहुत फेमस हॉस्पिटल हैं, ईएसआई हॉस्पिटल बसई धारापुर है, अरुणा आसफ अली है, वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग जूनियर रेजिडेंसी किया। कस्तूरबा हॉस्पिटल दरियागंज में है, वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग हासिल किया। तो ड्यूरिंग इंटर्नशिप जो है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के कंसल्टेंट थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह टोंग, तो उनसे हम लोग काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। सर का एक एनजीओ चलता है अभी भी हरियाणा दिल्ली में चौपाल के नाम से, तो वो उनके मन में जो सेवा भाव है, मतलब वो आरएमएल जैसे बड़े संस्था में काम करते हुए भी वो हरियाणा के छोटे छोटे गाँव में वो कैंप लगाते हैं, वहाँ के लोगों की सेवा करते हैं, एक बड़ी टीम को लेके जाते हैं, ठीक है, जिसमें फिजिशियंस, साइकेट्रिस्ट, जनरल फिजिशियंस हो गए, सर्जन हो गए, न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, पूरी टीम जाती थी, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी होते थे, तो एक काफ़ी बड़ी टीम वहाँ पे, और तकरीबन जो पॉपुलेशन था हरियाणा में, तो उनसे हम लोग उनके साथ हम लोग जुड़े रहे हैं और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। तो मेरे इसमें ये हुआ कि जो चीज़ हम लोग दिल्ली और एनसीआर में किए हैं, दिल्ली में भी मैं काफ़ी बड़े एनजीओज़ हैं, इंदिरा गांधी जी के द्वारा स्थापित है बाल सहयोग कनॉट प्लेस में, वहाँ भी मैं वर्क किया 3 इयर्स, शेल्टर होम में बच्चों को देखा उधर, और भी अरुणा आसफ अली के द्वारा स्थापित एक एनजीओ है एवी बालिका मेमोरियल ट्रस्ट, तो दिल्ली के स्लम एरिया में मैंने बहुत काम किया। मेरे साथ जो है मिस्टर अशोक जी हैं, वो मधुबनी से हैं, वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, अभी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उस संस्था के, तो उनके साथ जुड़ के मैंने काफ़ी वर्क किया दिल्ली के नागलोई, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, बहुत सारे एरिया में, दिल्ली के कम से कम 50 स्लम एरिया में। सर इतने जगह जो आप जी और अभी अपने बिहार में आप तो वर्क कर रहे हैं, मुझे ये मेरा दूसरा हेल्थ कैंप है जो मुझे संतुष्टि मिल रही है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो जो मेरे पिताजी जो हैं मोहम्मद मोइनुद्दीन अख्तर अलहज, हज भी कर चुके हैं, वो वकील साहब जी समस्तीपुर कोर्ट में सरकारी वकील भी रहे हैं, तो उनका एक सपना था कि तुम आओ अपने इलाके के लोगों को उनके लिए कुछ बेहतर करो, तो उन्हीं के विज़न को देखते हुए हम लोग शुरुआत किए हैं। इस शुरुआत में हमारे छोटे भाई हैं डॉक्टर राशिद जफ़र साहब, जो तमन्ने बाबू हैं भेरोखरा के, उनके साहबजादे हैं, और खुर्शीद साहब जो पूर्व मुखिया हैं उनके भतीजे हुए हैं, तो इनका काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, तो हम लोग हाथ से हाथ मिला के इंशाल्लाह, मतलब आने वाले समय में कहा जाए कि जिला में सब जगह आप लोग जी, हम लोग का टारगेट जो है पहुंचने की कोशिश, हम लोग का टारगेट है कि जो आपको ताजपुर उससे एडजेसेंट जो एरिया है, जैसे शाहपुर बघौनी हो गया, कुआरी है, फाजिलपुर हो गया, आपको रहीमाबाद है, रजवा हो गया, मुर्गिया चक है, आहर, गद्दोपुर, मोतीपुर, असहारी, महेशपुर, जो हमारे क्षेत्र के मतलब जितने सारे लोग हैं प्रखंड में आ गए, प्रखंड से जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं, उनकी दिल से हम लोग सेवा करना चाहते हैं। जो सेवा हम लोग पिछले 10 साल से मैंने हरियाणा और दिल्ली के स्लम एरिया में मैंने किया है, वो मेरा मेन उद्देश्य है कि अपने वो सर्विस हम अपने लोगों को प्रोवाइड करें। और मैंने रेडक्लिफ लैब का कोलेब्रेशन भी करवाया है, रेडक्लिफ लैब के से जो है बहुत ही मिनिमम दर पे जो हमारे इलाके के लोग कराना चाहेंगे तो हमारे सेंटर पे आके हमसे जितना भी होगा मैं उनके लिए करूँगा डिस्काउंट, है ना। और आज के दिन जो है बहुत सारी जांचें फ्री में रखी गई है, जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच फ्री में है, यूरिक एसिड हुआ, कैल्शियम की जांच फ्री में है,
सीरम क्रिएटिनिन की जांच फ्री में है, और जो गरीब मजबूर लोग हैं जो थायराइड की जांच नहीं करा सकते हैं, ठीक है, हालांकि थायराइड का कॉस्ट काफ़ी महंगा आता है, लेकिन उसकी भी जांचें हम लोग फ्री में करके देंगे, ठीक है। बड़ी बात है ये सर, तो आगे ये सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, बेशक, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, ये हम लोग जो सिलसिला शुरू किए हैं ये रुकने नहीं जा रहा है, और इंशाल्लाह ये आगे भी रुकेगा नहीं, और बेहतर तरीके से हम लोग इसको। और इसके साथ एक और बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैं मुजफ्फरपुर में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में भी हूँ, ये आपको बेला में स्थित है PNM मॉल के अपोजिट में, तो उसका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल आँखों के लिए काफ़ी मशहूर है पूरे बिहार में, यहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है। तो जो पिछले महीने इनॉग्रेशन के डे में इनकी टीम आई थी, डॉक्टर मंडल आए थे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और उनके साथ ऑप्टोमेट्रिस्ट थे, पूरी टीम थी, उनकी टीम आई थी, और इनकी जो बस भी थी वो भी आई थी, इसमें सारा वेल इक्विप्ड से संबंधित जो भी जाँचें हैं। तो ये फिर इस महीने के 27 तारीख को हम लोग फिर से ये कैंप लगवा रहे हैं, जनवरी में 27 तारीख को एक और कैंप, 27 जनवरी को जनरल हेल्थ चेकअप प्लस आई का एक मेगा कैंप होने जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो लोग पिछले बार, बहुत सारे लोगों का ये था, जैसे ताजपुर बाज़ार के ही लोग हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई, हालांकि मैंने पूरी कोशिश किया था कि प्रचार प्रसार अच्छे से हो, लेकिन लोकल में लोगों को जानकारी नहीं हो पाई जो ताजपुर के लोग हैं। तो जो लोग छूट गए थे पिछले बार, अपना आँखों की जाँच नहीं करा पाए, वो आएँ और हमारे जो 27 जनवरी 2024 को रविवार के दिन जो कैंप है उसमें आएँ और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मेहताब आलम है जी, मैं MD फिजिशियन भी हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पैथोलॉजी में भी कर रखा है, ठीक है। बताइएगा आप अभी यहाँ फ्री मेडिकल कैंप में क्या जाँच कर रहे हैं? ECG कर रहे हैं, PFT कर रहे हैं, अस्थमा जो सांसेस फूल रहे हैं, और इसी धड़कन है, हार्ट का जो बीमारी रिलेशन जो है उसके थ्रू। कहाँ ये आपका कहीं ऑफिस वगैरह भी है? ये मुजफ्फरपुर में है हमारा BMP 6, वहाँ से हम लोग। तो यहाँ अभी ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं, कैसा लगा? वो अच्छा लगा है, कितना मरीज आ भी रहे हैं, कुछ बीमारी के हार्ट का रिलेटेड बहुत सारे आ रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ का।